वैलिड फेल मीन्स आपकी जो ऑपरेशन है वो वैलिड होने के लिए नहीं है. यदि आप एक्स लिख रहे हो इक्वल टू लिख रहे हो वाई लिख रहे हो यू हैव टू कंबाइन दैम यूजिंग ऑपरेशन सच एज. कौन से ऑपरेशन के साथ हमें उन्हें ऐड करना है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड अदर ऑपरेशन. जब आप नंबर्स के बीच में या वेरिएबल्स के बीच में इन ऑपरेशन को अप्लाई करते हो दैट इज कॉल्ड mathematical expressions, right? For example, we are writing here 4 plus 5. This is numerical expression. इसमें दोनों numbers हैं, ठीक है? फिर हम लेते हैं 9 minus 7. These are numbers. And in which way? आपके पास ये sign है, operation है. These are called operations. इनको use करके हम numbers को solve करते हैं. That's why these are operations. 7 multiplied by 9, 9 divided by 3. Okay, all these are numbers. Right? So these are numerical. These are numerical expressions. In me, humne sare sare numbers use kar rahe hain. So these are called numerical expressions. ठीक है. इनके साथ जब हम वेरिएबल्स लेते हैं अब हमें ये होगा कि अपने वेरिएबल क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट आर वेरिएबल्स. वेरिएबल्स आपको वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज बार बार चेंज होती है. वेरिएबल बनता है वेरी से. वेरी मतलब डिफरेंट. यानी कि जैसे हमने लिया एक्स प्लस फाइव. अब फाइव की जो वैल्यू वही की वही रहेगी. दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट. इसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंट. ठीक है. इसके बाद क्या है एक्स. एक्स की वैल्यू बार बार हम चेंज कर सकते हैं. जैसे हमने कर दिया पुट एक्स इक्वल टू टू. दिस ये बन गया टू प्लस फाइव. पुट एक्स इक्वल टू फाइव. ये बन गया फाइव प्लस फाइव. इसकी वैल्यू हर बार वैरी कर रही है. वैरी कर रही है मतलब हर बार बदल रही है. सो एक्स प्लस फाइव दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट. इसे हम कहते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास नंबर्स होते हैं ओनली नंबर्स इसे कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. जब आपके पास वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स का कॉम्बिनेशन आ जाता है देन दिस इज कॉल्ड एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और इन दोनों को मिला के हम कह देते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन राइट. ये जो आपके डेफिनेशंस करी थी ये थी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की. कंबाइंड नंबर्स ये आपके नंबर्स के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के लिए आ जाते हैं. एंड वेरिएबल्स जब आप इन दोनों को ही जॉइन कर देते हैं देन दिस इज कॉल्ड दिस कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है. तो अब आपने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन तो बहुत पढ़ रखे थे क्लास में. आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लिए. अब हम न्यू चैप्टर आपको न्यू कॉन्सेप्ट दे रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. वेरिएबल्स पढ़ेंगे ठीक है. डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे. आपको ये याद रखना है ये जो नंबर्स हैं दीज आर द कांस्टेंट. एस आर एक्स इज वेरिएबल. इसकी वैल्यू हर बार वेरी करती है डिफरेंट होती है दैट्स व्हाई इट इज वेरिएबल. नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 11.1. लेट अस स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 11.1. इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूं राइट. जैसे आपको दिया हुआ है एड 5 and 9. सो यू विल राइट हियर 5 plus 9. सिंपल है. जो आपको कहा हुआ है आपको वही करना है राइट. सब्ट्रैक्ट 5 from 8. दैट मीन्स फ्रॉम के साथ वाले नंबर हमेशा आगे लिखते हैं. सो वी विल राइट हियर 8 माइनस 5.
बन ही नहीं रहा। स्टेटमेंट को ध्यान से करना है, इससे आपको कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट फ्रॉम
ठीक है, जैसे आपके पास 5 है तो इसका 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई 5 राइट। डबल क्या होता है, डबल होता है 2 मल्टीप्लाई 5, ऐसे 3 टाइम्स होता है 3 मल्टीप्लाई 1। तो अब आपने देखिए कितने आसानी से कर लिया, सम ऑफ 14 एंड x, सबसे पहले आपने लिखा 14 प्लस x, अब इसके साथ फ्रॉम है तो दैट मैटर्स टू है, क्या क्या आएगा, क्या सब इसमें से जब हम माइनस करेंगे इट इज 3 लेस देन राइट।